दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के आभाव सिद्धांत के बारे में, है ना। मुझे आशा है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखेंगे और ज़्यादा पसंद करेंगे और उससे कुछ ना कुछ नया सीखने का आपको टिप प्राप्त होगा। शुरू करते हैं आभाव सिद्धांत। आभाव सिद्धांत, जैसे कुछ लोगों को मालूम नहीं रहता है कि आभाव क्या है। आभाव बहुत लोग सोचते हैं कि ये कोई वैज्ञानिक का नाम है, जबकि ये वैज्ञानिक का नाम ना होकर ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है क्रमिक रचना। आभाव का अर्थ होता है क्रमिक रचना। क्रमिक रचना का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में भरने का क्रम है, ठीक है। ये आभाव ने ये जर्नल भाषा में का शब्द है। इसके अनुसार क्या होता है कि चार प्रकार के उपकोष होते हैं, जिसे हम एस पी डी और एफ, ये चार प्रकार के उपकोष पाए जाते हैं, जिसको हम दर्शाते हैं एस टी डी एफ से। इसको हम क्रमांक दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक। ऐसा हमने 1 2 3 4 के रूप में इसको नाम दे दिया। अब हम ये देखते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये तो हो गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये हो गए उपकोष। अब इसको हम रचना के रूप में किस प्रकार दर्शाते हैं, तो हम पहले बहुत ही हम सरल ट्रिक्स बताते हैं कि आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा और स्वयं से खुद से बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से हमें 8 नंबर डाल देना है। इसके बाद हम ऊपर का एक और नीचे का एक इसको छोड़ देंगे और चलेंगे दूसरे से 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद फिर हम अंगली जो लाइन में अंगली कड़ी में फिर हम ऊपर का एक और नीचे का एक छोड़ देंगे, चलेंगे 3 4 5 और 6, ठीक। ये तीन क्रम हो गया हमारे, चार हैं इसमें 1 2 3 4, तो चौथे क्रम में फिर एक ऊपर का और एक नीचे का छोड़ेंगे तो 4 और 5, ठीक। अब इनमें ऊपर नीचे छोड़ नहीं सकते क्योंकि खुद ही दो ही हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि इनको हम काटने का काम करेंगे। ऐसे काटेंगे 1 2 3 4, ऐसे इसको थोड़ा और नीचे लिख सकते हैं, ऐसे काटेंगे, और लास्ट में ऐसे। इस प्रकार से हम रचना बनाते हैं। अब हम इसको किससे काटते हैं, तीर से काटते हैं, क्योंकि तीर से ही काटा जाता है। ऐसे तीर का हम एरो का चिन्ह बना देंगे, ये तीर एरो जिसे हम बोलते हैं, ये एरो का चिन्ह बन गया। अब तीर में हम ये देखते हैं इसमें हेड होता है, जिसे हम हेड को क्या कहते हैं, हेड मतलब सिर, और ये होता है टेल। दूसरे सिरी को हम टेल बोल देते हैं, टेल मतलब होता है पूंछ, हिंदी में इसे पूंछ भी कहते हैं। अब हम टू माने
से सिर को पूंछ से मिला देते हैं। सिर को पूंछ से, ये सिर हो गया, ये पूंछ हो गया, तो ये सिर को हम पूंछ से मिलान कर देंगे, ये मिल गया, ठीक। ये सिर को हम ऐसे पूंछ से मिलान कर देंगे, ये सिर को हम ऐसे पूंछ से मिलान कर देंगे, ठीक है ना। ये सिर को हम पूंछ से ऐसे मिलान कर देंगे, माने सभी ऐसे ही करना है। ये पूंछ से हमने मिलान कर दिए, ये हम इस सिर को इस पूंछ से मिलान कर दिया, और इस सिर को और इस पूंछ से ये मिलान कर दिया। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारे जो है इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, अब इसमें देखिए वन में हम ये देख रहे हैं यस है, क्या है यस, तो यहाँ पर हम यस लिख सकते हैं, ठीक है, वन यस, ठीक है। इसके बाद जहां जहां हमारा है यस, आपका अगर पहले क्रम में क्या है यस, पहले क्रम में यस है, तो पहले क्रम में हम यस यस लिख देंगे, ये यस होगा, ये यस होगा, ये यस होगा, ये यस होगा, ये यस, ये यस और ये यस, ठीक। इसके बाद हम ये देख सकते हैं दूसरे क्रम में पी है ना, तो ये आपको यहाँ पर पी डाल देना है, ये पी, ये पी, ये पी, ये पी, ये पी, ये पी, है ना। तीसरे क्रम में हम देख रहे हैं डी है, तो आप यहाँ पर डी दर्शा दीजिए, डी 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 और ये, और चौथे क्रम में यफ है, तो यहाँ पर आप यफ दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से आप आपका ये क्रम इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम हमारा तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको हम दर्शाएंगे कैसे, इसको और सरल, ये तो हमारी रचना हो गई, ये ग्राफ है, इसको बहुत लोग बच्चे इसको तैयार नहीं कर पाते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, तो रटने में क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि कौन सा क्रम पहले आएगा कौन सा बाद में आ जाएगा, उसके कारण बच्चे गलती कर देते हैं। और ये हमने बनाने का क्रम से समझा दिया कि बच्चे स्वयं इसको बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको और भी सरल कर सकते हैं, कैसे, पहले में जैसे आपका हो गया वन ईयर्स, तो ये देखिए वन ईयर्स में पहले आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके बाद हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चल के और पूंछ की ओर से फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पूंछ की ओर से फिर आगे बढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम दर्शाएगा। इसके बाद हमारा आता है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे घूमा, फिर ये टू एस मिलाता है, दूसरा हमारा है टू एस, फिर टू एस से टू पी, टू पी से हम ये देख रहे हैं थ्री एस, है ना, थ्री एस से थ्री पी, फिर थ्री पी से हम ये देख रहे हैं फोर एस, फोर एस के बाद आता है थ्री डी, है ना, थ्री डी के बाद फोर पी, फोर पी के बाद फाइव एस। इसमें रटना नहीं है, सिर्फ आपको इस रूप में माने हेड से और टेल की ओर आपको चले जाना है, अपने आप ये बता रहा है ग्राफ, हमने इसी से फिगर बना दिया। फोर डी, फोर डी के बाद आप देख रहे हैं फाइव पी, फाइव पी के बाद सिक्स एस, फिर इसके बाद आपका फिर यहाँ आप चाह रहे हैं फोर एस, फिर फाइव डी, फिर इसके बाद सिक्स पी, माने इसको हम ऐसे रूप में भी दर्शाया जा सकता है, ये बढ़ता हुआ ऊर्जा क्रम है, ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं, कामा भी लगा सकते हैं, और ऐसे भी आप बढ़ता हुआ क्रम ही दर्शाया जा सकता है। सेवन एस, फिर यहाँ पर
फिर ऐसे आप ये सिक्स दी, सेवन पी और अंत में आपका एट एस आप प्राप्त करते हैं, अर्थात कि ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम में हमने इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का पूरा शेड्यूल बताया और ग्राफ के माध्यम से। ये ग्राफ रटना नहीं है, आप स्वयं इस सरल तरीके से बहुत ही सरल ट्रिक सर और इसको हम अपने भाषा में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें हेड और टेल को मिलाते हैं और इसी प्रकार हेड से टेल की ओर, हेड से टेल की ओर, हेड से टेल की ओर जाते जाएंगे और ये क्रम हमारा अपने आप तैयार हो जाता है। ये क्रम रटना नहीं है, सिर्फ हेड और टेल से हम मिलाते जाएंगे, ये अपने आप बन जाता है और इसमें कोई गलती भी नहीं हो रही। ठीक।